हेलो एवरीवन, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला मेथड डिस्कस किया था। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था कि जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जब जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद तो ए और बी सी की वैल्यू आ जाएगी, वो वाली वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने किया था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में हमने किया था कि जो रूट्स की जो नेचर है, रूट्स की जो नेचर है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। अगर इफ इट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, अगर एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन टू इक्वल रियल रूट्स, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन नो रियल रूट्स। नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स व्हेन बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट बी स्केयर इज इक्वल टू 4ac। नाउ क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, तो सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, बी की वैल्यू के आ गई, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। नाउ अब ये हमें गिवन है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल भी हैं और रियल भी हैं, तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया के होल स्क्वेयर माइनस 4 × 2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 24, और के की वैल्यू जो हमारे पास आ गई दैट इज प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 24, के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 24। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 × √6। तो अगर के की वैल्यू 2 × √6 होगी या माइनस 2 × √6 होगी, इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसके जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज k(x)2, k(x) माइनस 2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया k(x)2 माइनस 2k(x) प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2k, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4k माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, अगर दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है सो इधर एक्स इज इक्वल टू 0 और क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इधर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 0/4, k की वैल्यू 0/4 मीन्स 0 आ जाएगी, या फिर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब क्योंकि k की वैल्यू जो है, बिकॉज k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वाई, क्योंकि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की थी वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, इफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो इट इन दैट केस जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहेगी, दैट विल बिकम लीनियर इक्वेशन। तो बिकॉज यहाँ पे अगर बात करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे के है और के कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एज ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स के कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। नाउ नेक्स्ट इज,
इक्वेशन हमें गिवन है के माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू के माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ अगेन इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई के माइनस ट्वेल्व, बी की वैल्यू आ गई टू इंटू के माइनस ट्वेल्व और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू। नाउ रूट्स हमारे पास इक्वल हैं, रियल हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, फोर इंटू के माइनस ट्वेल्व होल स्क्वेयर माइनस एट इंटू ट्वेल्व, एट इंटू के माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो अगर फोर के साथ डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास आ गया के माइनस ट्वेल्व होल स्क्वेयर इज माइनस टू इंटू के माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो के माइनस ट्वेल्व कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ गया, इसके फैक्टर बन गए के माइनस ट्वेल्व इंटू के माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो है। अब बिकॉज तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक तो के की वैल्यू ट्वेल्व आ जाएगी और एक के की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर। अब क्योंकि ए जो है जैसे हमने लास्ट में भी किया था कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है के माइनस ट्वेल्व, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स के जो है इट कैन नॉट बी इक्वल टू ट्वेल्व। तो के की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास ट्वेल्व आ रही है इसको रिजेक्ट कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली फोर्टीन। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू जो आ गई दैट इज फोर्टीन। तो इट मीन्स जब के की वैल्यू 14 होगी इन दैट केस जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन, के स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अगेन कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई है। नाउ बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगेन डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर देंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए और बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो इसके हमने फैक्टर बना लिए, फैक्टर हमारे पास आ गए थ्री के माइनस वन इंटू माइनस के माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू वन बाई थ्री और के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। हमारे पास यहाँ से टू वैल्यूज आ गई, के की वैल्यू वन बाई थ्री और के की वैल्यू माइनस वन। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ए की वैल्यू जो है दैट इज के स्क्वेयर एज इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, तो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो के की जीरो नहीं आ रही, तो इट मीन्स के की हम दोनों वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू वन बाई थ्री भी रखेंगे और के की वैल्यू माइनस वन भी, एक्सेप्ट दोनों वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है एम माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हैज ओनली वन रूट। वन रूट का मतलब क्या है, वन रूट का मतलब ये है कि इसके टू इक्वल रियल रूट्स हैं, ठीक है। उस केस में भी हमारे पास, उसी केस में हमारे पास जो आएगा वन रूट आएगा कब, कब जब जो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, जब रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। नाउ अगेन सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, ए की वैल्यू जो है हमारे पास एम माइनस वन, बी की वैल्यू जो आ गई दैट इज माइनस टू इंटू एम माइनस वन और सी की वैल्यू जो आ गई दैट इज वन। नाउ डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने के बाद यहाँ से हमारे पास आ गया, फैक्टर बन गए, ये हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन एम, एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आप इसको चाहे फैक्टर फार्मूला से सॉल्व करो, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, तो जैसा भी आपको ठीक लग रहा है आप उसी मेथड से सॉल्व करो। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म सब्लिटिंग मेथड मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड से इसको, इसके फैक्टर बना ले, और फैक्टर जो हमारे पास आ गए एम माइनस टू इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू जो आ गई, एक तो एम की वैल्यू टू आ गई और एक की एम की वैल्यू जो आ गई दैट इज वन। अगेन क्योंकि जब जनरल फॉर्म की बात करें तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती,
तो यहाँ पे m माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो m की वैल्यू जो है वो वन तो नहीं हो सकती, इट मीन्स m की वैल्यू जो आएगी टू आएगी। तो इन दैट केस, तो m की वैल्यू अगर टू होगी उस केस में हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, और वी कैन से दैट वी विल गेट ओनली वन रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो और उस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज अब क्वेश्चन में जो ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब इसको हम इस फॉर्म जनरल फॉर्म के साथ ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब स्मॉल ए की जगह पे आप कुछ भी रख लो, यहाँ पे मैं कैपिटल ए रख लेता हूँ, और स्मॉल बी की जगह पे मैं लिख लेता हूँ कैपिटल बी, और स्मॉल सी को रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल सी के साथ, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को हम इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई बी स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई स्मॉल सी माइनस ए, और कैपिटल सी की वैल्यू आ गई ए माइनस बी। बिकॉज जो रूट्स हैं वो हमारे पास रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की कर दी, कैपिटल सी की कर दी। तो अब यहाँ पे सी माइनस ए होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे और इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया मैक्सिमम, जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सको इसको कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस सी होल स्क्वेयर प्लस टू बी होल स्क्वेयर माइनस फोर बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो विच कैन बी रिटन एज, अब इसको अगर कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ गया, अगर ए प्लस सी को एक्स के साथ डिनोट करें तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई विच इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस सी माइनस टू बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो अब अगर वाई स्क्वेयर और वी कैन से दैट जेड स्क्वेयर की वैल्यू जीरो है, तो इट मीन जेड की वैल्यू जीरो ही होगी, तभी उसका स्क्वेयर जो है वो जीरो आया। अब यहाँ पे हमारे पास ए प्लस सी माइनस टू बी की वैल्यू जीरो है, तो इट मीन ए प्लस सी माइनस टू बी की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी, सो हैंस टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो आज हमने नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।